वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको बहुत ही जल्दी बनने वाला और बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी नाश्ता बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है। जी हाँ, आज मैं आपको पोहा बनाना बताऊंगी। पोहा बनाना बहुत ही आसान है, इसे हम कुछ ही समय में घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप चाहिए हमें पोहे, 2 टेबल स्पून लिया है हमने तेल, आधा कप चाहिएगा हमें मूंगफली के दाने, 1/2 टेबल स्पून लिया है मैंने नींबू का रस, 1 बारीक हरी मिर्च, 8 से 10 लिए हैं मीठा नीम। ये आसानी से मिल जाता है, यदि आपके पास नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। 2 बड़े चम्मच चाहिए हमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/4 टीस्पून लिया है मैंने हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लिए हैं मैंने सरसों, जिसको हम राई बोलते हैं, 1.5 टीस्पून हमें चाहिएगी शक्कर, सॉल्ट आप स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं। सबसे पहले हमें मिर्ची, मीठा नीम और हरा धनिया जो हमने लिया है, इसको हमें अच्छी तरह से वॉश करना है। मैंने इन सबको वॉश कर लिया है, अब हमें पोहे को वॉश करना है। एक छलनी में रखकर मैं आसानी से पोहा कैसे वॉश करेंगे वो आपको बताऊंगी। पोहे को वॉश करने के लिए मैंने एक छलनी ली है, उसके नीचे एक बाउल रख दिया है। सबसे पहले हम पोहे में पानी ऐड करेंगे। पानी इतना ही डालना है कि पोहे अच्छी तरह भीग जाएं। हल्का सा हाथ से हम प्रेस करेंगे। पोहे 2 तरह के आते हैं बाजार में, एक पतले वाले आते हैं, एक मोटे वाले आते हैं। हमें पतले वाले पोहे ही लेने हैं। इसका पानी जो मैं इसमें निकाल लूंगी, ये देखिए एक्स्ट्रा होगा जो ऊपर आ जाएगा। इस तरह हम एक बार और वॉश करेंगे इनको अच्छी तरह। इस तरह हाथ से हम इसको प्रेस करेंगे बिल्कुल हल्का हल्का, और इसका पूरा पानी हम निकाल लेंगे अच्छी तरह। इस तरह देखिए सारा पानी एक्स्ट्रा जो है आ जाएगा। मोटा पोहा जो आता है उसकी नमकीन बहुत अच्छी बनती है। अब हम एक पैन लेते हैं, गैस को ऑन कर दिया है। अब इसमें मैं तेल ऐड करूंगी और तेल को अच्छा गर्म होने देंगे हम, गैस की फ्लेम को फुल ही रखना है। अब इसमें मूंगफली ऐड करना है और इसको हमें अच्छी तरह भुनना है। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है ताकि मूंगफली अच्छी तरह अंदर से भी सिक जाए। मूंगफली को हल्का क्रिस्प होने तक हमें भूनना है। इस तरह गैस की फ्लेम को हम कम कर देंगे। आप देख सकते हैं मूंगफली अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। थोड़ी सी मूंगफली हम गार्निश के लिए निकाल लेते हैं। बाकी हम इसी में ही रहने देंगे। अब इसमें हम राई भी ऐड कर देंगे और इसको भी हम चलाएंगे। राई चटकने लग गई, आप देख सकते हैं। इसी में मैं हरी मिर्च भी ऐड कर दूंगी, जो मीठा नीम लिया था वो भी हम इसी में ऐड कर देते हैं और लगातार हम चलाते रहेंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून पानी ऐड करेंगे। इसमें अब हम नमक ऐड कर देते हैं, हल्दी पाउडर को भी हम ऐड कर देंगे, शक्कर ली थी उसको भी हमें ऐड कर देना है और इसको हम हिलाएंगे लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। लेमन जूस को भी हमें ऐड कर देना है। इस तरह हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। यदि आप मूंगफली नहीं खाते हैं तो आप, जरूरी नहीं है कि आप इसमें मूंगफली ऐड करें, इससे क्या पोहे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने इसमें डाली थी। अब इसमें हमने जो पोहे लिए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इनको हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए
कितने अच्छे पोहे हमारे भीग गए हैं। अब इसको मैं इस तरह अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि सारा मसाला पोहे पे लग जाए। देखिए पोहे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। बस ये हल्का और गर्म हो जाए फिर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। पोहे बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको एक प्लेट में सर्व करती हूँ। पोहे को मैंने प्लेट में सर्व कर दिया है। जो मूंगफली हमने निकाली थी वो मैं इस पे ऐड कर देती हूँ और जो धनिया पत्ती हमने ली थी बारीक वो भी हम इस पे इस तरह लगा देंगे। इससे पोहे दिखने में और भी सुंदर लगते हैं और खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही साथ जो बारीक सेव हमने ली थी वो भी हम इस पे इस तरह लगा देंगे। इससे पोहे का स्वाद और भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। और हम रखेंगे इसमें लेमन। पोहा बनकर हमारा तैयार है। देखिए कितना सुंदर और अट्रैक्टिव लग रहा है। खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। जब भी खाने की इच्छा हो गर्मा गर्म तो झटपट हम पोहा बनाकर खा सकते हैं। सिर्फ हमें 5 मिनट लगे हैं पोहा बनाने में। ज्यादा टाइम हमें नहीं लगा है। पोहा बनाते समय हमें इतना ही ध्यान रखना है कि मूंगफली को जो है हमें अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है, कम फ्लेम पे सेकना है। नहीं तो मूंगफली बाहर से तो सिक जाएगी लेकिन अंदर से उसका टेस्ट प्रॉपर नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखें। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? यदि पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।